के सीजन 3 में हमारे साथ है खंडवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर, एम आई राइट डायरेक्टर, ओके सोहेल खंडवानी जी. सोहेल जी, इंडिया ब्रेनी ब्यूटी से एसोसिएशन कैसा रहा, कब से है और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये प्रोग्राम जो है, आई बीन मॉनिटरिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड इसमें एक बात की बहुत बड़ी खूबी है कि दे हैव केप्ट द इक्वलिटी, दे हैव नॉट डन एनी डिस्क्रिमिनेशन जेंडर वाइज, एज वाइज, ब्यूटी वाइज और फ्रॉम एनी एस्पेक्ट. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम टू कीप अप दिस लेवल एंड वी आर विथ यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर शो. ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हेन यू से कि इक्वालिटी रखी है ये वो, तो व्हाट डू यू थिंक द ब्यूटी स्टैंडर्ड इज? सी, ब्यूटी इज फ्रॉम द इनर सोल व्हिच कम्स आउट, सो यू कैन नॉट डिफाइन इट्स क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट, बट यू हैव केप्ट इन सच अ वे दैट एवरीबडी हैज chance to flaunt their beauty, either aspect, any ways. So this is very good, and you have kept up to the constitution also of the platform of equality. Okay, and this year we are introducing LGBT community also to ramp the walk, walk the ramp. So what do you think about it? This is excellent approach, and these people should be given a chance. And you have very well done it. This is a need of an hour. And again, I wish you all the best for this. Thank you very much. Thank you very much. अब हमारे साथ हैं एक चुलबुली सी, एक ग्लैमरस सी, एक हॉट सी, ओह माय गॉड, दीपशिखा. सो गुड टू सी यू. सो दीपशिखा जी, अर्चना जैन के बारे में और इंडिया ब्रेनी ब्यूटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी एंटायर टीम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. ये अर्चना जैन हमारे साथ आ गई हैं. हाँ, एंड ऑल ऑफ यू, गुड टू सी यू ऑल आफ्टर दिस पेंडेमिक. तरस गए थे सबको देखने के लिए. सो इट्स अ नाइस थिंग, वी आर गेटिंग बैक टू अ नॉर्मल रूटीन. एंड कंग्रेचुलेट टू यू. आई हैव हर्ड यू गाइस आर सपोर्टिंग एलजीबीटी, इवन आई सपोर्ट एलजीबीटी, एंड दे ऑल आर वॉकिंग रैम टुडे. So I'm always there for them, and it's a very good cause you're doing, and that's the reason I'm here today. Thank you very much. Aur hamari hot and gorgeous se aur kya expect kar sakte hain? Like, I think I want to thank you my two friend designers, Shah Ahmed, hi, come here, and Jyoti, come here. These two are designers from US, and she's Archana, and they are here. It took me 2 hours to reach here, round and round, and they waited for me, so that it was to them also. She's Ekta. And thank you so much for being here. Thank you so much. Thank you very much. Photo leni hai ek. Picture. एंटरप्रेन्योर तो है ही, साथ में हमारी प्रिंसेस और क्वीन भी बन चुकी हैं ये, एंड शी इज द वन हु नोज हाउ टू गिव दीज ब्यूटिफुल गर्ल्स द राइट प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट. सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पैजेंट्री. टुडे वी प्रेजेंट द इंडिया ब्रेनी ब्यूटी सीजन 3. अर्चना जैन, लव यू स्वीट हार्ट, एंड इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच आउट. द वर्ल्ड इज वॉचिंग अस टुडे. थैंक यू टू ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया. शुक्रिया. थैंक यू गाइस. Yeah, hi, this is Ushma Cheda. I am co-founder of Neve Nutrition. Brainy Beauty and we are associated from season 1. And it's an honor to be there because she has really taken efforts to groom them. They have real grueling sessions. I was one of the, also in the training. So we are taking care of their nutrition as to how they have to live in their daily life. As well as the girls here are super energetic
and I really love the way they are so excited and full on josh. नमस्ते, मैं विक्की शिंदे, मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ। पिछले 4-5 साल से मैं अर्चना जी के साथ ये कॉज में काम कर रही हूँ और तब से मैं अर्चना जी से जब मेरी मुलाकात हुई, हमारी बात हुई, राबिया मैम की हमारे साथ, तब से आज अर्चना मैम का सपना आज 3-4 साल बाद पूरा हुआ ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत उनके दिल में कोशिश थी कि कुछ कम्युनिटी के लिए करें, विक्की जी कुछ कम्युनिटी के लिए करें, लेकिन लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत हेल्प की कम्युनिटी को। और मैं पिछले 8-15 दिन से देख रही हूँ वो कम्युनिटी को जाके पूछ के उनकी ट्रेनिंग ले के आज उन्होंने अपना सपना साकार किया और मेरे समाज को, जो कि आज काफ़ी लोग हम लोग को भेदभाव करते हैं या देखना नहीं चाहते या सोचना नहीं चाहते हमारे बारे में, लेकिन अर्चना जी ने ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज हमें खड़ा करके दिया है, तो मैं अर्चना जी को बुलाना चाहूँगी। एक मिनट। अर्चना जी ने जो काम आज कम्युनिटी के लिए किया है और जो जो प्लेटफॉर्म हम कम्युनिटी को दिया है, आज बहुत प्राउड फील हो गया है कि आज मेरी कम्युनिटी रैंप वॉक किया, क्योंकि यहाँ पे वो जो मेरा वज़न कम, मैं काली या मैं गोरी या मैं मोटी, ये कुछ नहीं है, और मेरा समाज हर एक चीज़ में बहुत टैलेंटेड है और उन्होंने आज टैलेंट दिखाया। ये सब अर्चना मैम की वजह से और फ्लोरेंट फाउंडेशन की वजह से सिद्ध हुआ और हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए। हमारा त्रिवेणी समाज विकास केंद्र, जो कि आज सब वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारी वॉक की है, अर्चना जी हमारी वासवी जी है, वो कुछ दो शब्द कहेंगे अर्चना जी के लिए। मैं तो बहुत थैंक यू सो मच हूँ अर्चना मैम का। मैं पहले अर्चना जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। अर्चना जी हमारे त्रिवेणी समाज विकास केंद्र में आई, हमारी जो डायरेक्टर मैडम चांदनी शेख से बात करी, वो हाजिर साहब है, तो भी उन्होंने हमको ट्रांसजेंडर को पहली प्लेटफॉर्म है एक साथ रैंप वॉक करे, इसमें सिग्मा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या इक्वालिटी पे मैडम ने, अर्चना मैडम हमेशा काम कर रही है, बहुत अच्छा लगा। आज मतलब कोई भी वॉक करना बोलेगा तो फैशन शो में पार्टिसिपेशन होना बोलेगा तो कुछ डर है, मैं उनके लिए कैपेबल नहीं है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, फ्लोरेंस फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म मिला है हम लोग को, कि कोई कैसा भी आप रहो, कौन सा भी जेंडर भी, इधर जेंडर का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बहुत अच्छे से हमें रिसीव किए और हमने प्लेटफॉर्म पे वॉक किए, सारे लोगों का, जनता का, जो पब्लिक का एंकरेजमेंट मिला है, ऐसे और भी लोग आगे आना चाहिए ट्रांसजेंडर को, जिस तरीके से अर्चना मैडम आगे आई है और हमारे लिए बहुत कुछ किया, लॉकडाउन में खाना बना हुआ खाना लेकर आके बांटना, और हम जो भी ज़रूरत राशन का बोले, ब्लैंकेट्स के बोले, वो उसको फ़ोन करके रिक्वायरमेंट ये है मैडम कम्युनिटी को, वो कहीं से भी हमारे लिए अरेंज करते हैं, धन्यवाद करते हैं सब लोग। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दैट आप लोग आए यहाँ पर, और आज आप लोगों ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया, धमाका कर दिया, मेरे जो फाइनलिस्ट धमाका नहीं कर सके वो आज आप लोगों ने कर दिया। मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ आपकी कम्युनिटी को, बिकॉज ऑफ यू आज इंडिया ब्रेनी ब्रेड का प्लेटफॉर्म सुपर हिट हो गया। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज आप लोग चाय कॉफी थोड़ा बिस्किट्स ये सब लीजिए और पानी, रिलैक्स कीजिए। थैंक यू। Hey, everyone. 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 H
देखिए मैं हमेशा से ट्रांसजेंडर जो LGBT लोग मैं हैं उनको मैं हमेशा से सपोर्ट करती हूँ एंड मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं. मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा लोग उनको परेशान करते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं, लोग कुछ भी गलत बोलते हैं उनके बारे में, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के में बहुत ज़्यादा दखल देते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है. बट आई लव एंड रिस्पेक्ट, मुझे बहुत पसंद है ये लोग. और मैंने पहले भी कहा कि इंशाल्लाह मैं अगर और आगे रहा तो मैं हमेशा इन्हें सपोर्ट करूँगी, बिना पैसे सपोर्ट करूँगी. यस, मैंने ऑलरेडी वेब सीरीज़ करके रखी थी, वो रिलीज़ हो गई है. कुछ सॉन्ग्स थे वो रिलीज़ हो चुके हैं. अभी मेरे आए हैं प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आ रहे अभी. तो मैं थोड़ा सा जो मुझे पसंद आता है कैरेक्टर वो ही करती हूँ. मैं इवेंट्स एंड ऑल ये सब तो चलता ही रहता है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है. तो नया जो है मेरी लाइफ में वो है रेसलिंग CWE, बिकॉज द ग्रेट खली इज़ माई मेंटर. वो मुझे सिखा रहे हैं, 6 महीना हो चुका है मुझे रेसलिंग के अंदर और अभी मैं आधी रेसलर बन गई हूँ. आई एम नॉट बेगम जान राइट नाउ, पहले होड़ू जान. होड़ू जान. सो ये न्यू है मेरी लाइफ में और इंशाल्लाह मैं यही कह रही हूँ कि अब इतना काम करेंगे कि आई विल रिप्रेजेंट माय कंट्री. मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगी इंशाल्लाह. ये कल गया देखने के लिए, मुझे नहीं लेकर गया, मैं जाऊँगी देखने के लिए. It's such a fabulous walk. Yes. कैसा लगा उनका walk? वो तो हमेशा से अदाएं लटके झटके वेरी नाइस. मतलब उनका तैयार होने का तरीका जो यू नो जो हम मीना कुमारी में अदाएं देखते थे. Exactly. ना जो मधुबाला वैजयंती माला उन्होंने अदाएं देखते थे वो कूट कूट के आज उनका जो चार्म था वो टॉप पर था. यस यस, मैं खुद मतलब बहुत सारे हम शोज किए हुए हैं एज ए शोज टॉपर, मैंने बहुत वॉक किया, लेकिन जितनी भी मॉडल्स हैं उनमें ये अदाएं नहीं रही हैं. वो एक स्टैचू की तरह वॉक करते हैं, ऐसे ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे देखते थे. बट इनकी अदाएं ठक ठक मुझे पसंद है. आप कुछ कहना चाहेंगे सर? इट्स सच अ ग्रेट इनिशिएटिव. बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है LGBTQ के लिए. बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि हम मेल्स का रैंप वॉक देखते हैं, फीमेल्स का रैंप वॉक देखते हैं, तो उन लोगों को बहुत कम चांस ऐसा मिल पाता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिल सके जहां वो लोग अपनी अदाएं दिखा सकें. उनके अंदर भी बहुत सारी अदाकारी है, दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव. एंड जिस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को प्रेजेंट किया ऑन स्टेज, इट्स फैबुलस. और जो उनकी अदाकारी थी वो सब तारीफ, वो गजरा ऐसे फेंक के मारना, वो स्माइल देनी, या इट्स फैबुलस. सो वी फील सो गुड टू अटेंड दिस फंक्शन. या ठीक है, थैंक यू सो मच. सो हाय, वी आर फ्रॉम ब्रांड Etayo, व्हिच इज बाय प्रीति एंड दैट्स गौरव. It's about basically Etayo means it's a Sanskrit word and we've taken it from it's togetherness it means basically. So it's about us doing it together, so that's where it comes from. We have got attached with Brainy Beauty through Kanjana Mota and Archana Jain. It feels it gives me a tremendous pleasure to be part of this. The whole thing, it is so beautiful. This is the first time we have attached here and it just feels really, really amazing to see such happy faces at the end. We were not expecting such happiness, but it is beautiful right now what we see inside. Everybody crowning and everything, it's just beautiful. Even the ones who are not crowned, they look extremely happy. And I think it's the whole experience, I think, that which is counting, including us. We are also having a great experience here. Joining and thank you for you as well. Yeah, and thank you to the Archana Jain and entire team. It was really helpful and very supporting for the first time experience. It was really great. Thank you. देखिए, अगर हमको समाज में कोई चीज़ें अगर लोगों तक पहुंचानी है तो सबसे चीज़ है खूबसूरतें. जो अच्छी लगती है लोग उसे पसंद करते हैं, और जिसके पास दिमाग होता है और खूबसूरती दोनों होती है, और अगर उसका डेस्टिनेशन का जर्नी जो है, डेस्टिनेशन तो हर एक का डिसाइड होता है. आपने सोच के ही रखा होगा कि आज आपको यहाँ जाना है, लेकिन जर्नी हमेशा 1, 2, 3, 4 ऐसी होती है.
तो आज का ये जर्नी हमारा सीजन 3 इसलिए कामयाब हुआ है क्योंकि पहला और दूसरा जो शिद्दत से हम स्टेशन तक जर्नी तक पहुंचना चाहते हैं तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू चूज योर चॉइसेस एंड क्लैरिटी. क्लैरिटी शुड बी देयर फॉर ऑल योर चॉइसेस. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू जॉइनिंग एंड गिविंग द फेथ एंड ट्रस्ट ऑन कमिंग टुगेदर एट अ प्लेटफॉर्म वेयर द ब्रेन्स आर वर्किंग एंड द हार्ड वर्क इज वर्किंग एंड आई थिंक हार्ड वर्क ऑलवेज पेज. दैट इज वाई द डेस्टिनेशन इज ऑलवेज फिनाले इज द ग्रेट. तो विनर इज ऑलवेज द वन हु चूज टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. इंडिया ब्रेनी ब्यूटी का सीजन 3 फिनाले आज फिनिश हो चुका है और हमारे साथ हमारी डिजाइनर है. आपका नाम क्या है? गुरप्रीत कौर. थोड़ा जोर से जोश में. गुरप्रीत कौर. ये गुरप्रीत कौर हैं और इन्होंने फिनाले के जितने भी ड्रेसेस थे राइट वो सब डिजाइन किए हैं. अमेजिंग ड्रेसेस. आपको लगता है उसमें से कुछ ड्रेस मुझे फिट होगी? सारे हो जाते. सारे हो जाते. वाओ व्हाट अ कॉन्फिडेंट. और मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ शायद सारे हो जाते हैं. तो थोड़ा सा वेट लूज करना पड़ेगा. नहीं नहीं बिल्कुल. ओके तो आपने ये डिज़ाइनिंग कहाँ से सीखी, कब से की है? आई हैव डन इट फ्रॉम बी डी सुमानी कॉलेज एंड हो गया 12 इयर्स हो गए. 12 इयर्स मुझे एज इफ आई मे आस्क. 36. वैसे लड़कियाँ ये छुपाती हैं बट हम तो बता रहे भाई हमने तो इतना एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है कि टेंशन ही नहीं है. किस बात की टेंशन? हम इतना आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में राइट. यस. ओके सो व्हाट इज योर फोर्टे ऑफ डिज़ाइन? सो इट्स लाइक किस जॉनर में सबसे ज़्यादा डिज़ाइन करते हैं आप? इंडियन वेस्टर्न? ओके वी डू वेस्टर्न्स आल्सो पर सिर्फ ज़्यादातर ब्राइडल्स करते हैं. यस. ओके तो ब्राइडल्स में जैसे हमने आज 3-4 देखे, एक गोटा वर्क था, एक जरी का वर्क था, और कौन से वर्क्स हैं उसमें? जरदोसी वर्क है, गोटा वर्क, एप्लिक वर्क, लेदर वर्क. एप्लिक क्या होता है? 3D वर्क बेसिकली. सो आपने 3D लहंगा देखा होगा फ्लावर्स वाला, जिसमें 3D पॉपिंग फ्लावर्स. वाओ. तो 3D वर्क्स भी मतलब डिजाइनिंग में भी 3D वर्क होता है ये मुझे आज पता चला. सो आई एम गेनिंग नॉलेज डे बाई डे वाई टॉकिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन एंड डिफरेंट पर्सन डिफरेंट जॉनर ऑफ पर्सन. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एंड मच अप्रिशिएशन. आई बी एसोसिएटेड विद IBB एंड अर्चना जैन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू जी. आज मैंने इंडिया ब्रेनी ब्यूटी सीजन 3 जज किया एंड आई एम रियली हैप्पी. बहुत मज़ा आया. बहुत ज़्यादा डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स थे और थोड़ा सा हमारा जॉब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था बट जो रिजल्ट्स आए हैं आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एंड थैंक यू अर्चना जैन एंड कीप ग्रोइंग एंड आई विश यू कि जैसे काफ़ी लोगों ने आपको विश किया है मैं भी तहे दिल से विश कर रही हूँ कि ये इंटरनेशनल भी जाए और हम आपके साथ ट्रैवल करें एंड बिकॉज वी आर देयर टू सपोर्ट यू इन ईच एंड एवरी सीजन. थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक अहेड. थैंक यू. मेरा नाम अंजलि जवेरी संभी है एंड मैं खाली ये बोलना चाहूँगी कि दैट इट इज़ आई एम स्पीचलेस राइट नाउ. जो अर्चना ने और इंडियाज़ ब्रेन एंड ब्यूटी ने दिया है इज़ अनबिलीवेबल एंड मैं बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ ये क्राउन ले रही हूँ टू प्रॉमिस टू अपलिफ्ट वुमेन एंड आई थिंक वही अर्चना जैन ने किया है एंड आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड. थैंक यू. नमस्ते इंडिया.
मेरा नाम प्रिया चौहान है एंड मैं मिस इंडिया ब्रेनी ब्यूटी हूँ 2022। जहाँ तक खुशी, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयां करने के लिए, लेकिन जो जर्नी रही है बहुत कुछ सीखा है एंड ये एक पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन है सच में। तो एक लीडर का एक ही गुण रहता है, जो खुद बढ़ता है और लोगों को भी आगे बढ़ाता है, एंड दैट इज़ व्हाट मिस इंडिया ब्रेनी ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट। जी सही कहा सर, मेरा नाम रिद्धि त्रिवेदी है और आज मुझे एक बहुत बड़ा और बहुत ही वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म मिला है अर्चना जी की मदद से, अर्चना मैडम की मदद से, जहां मेरी आवाज़ के साथ साथ मेरी आवाज़ में जिन बातों में दम होना चाहिए, हर वो छोटे गली मोहल्लों की लड़कियों के लिए जो मुझे देखकर ये सोचेगी कि यस हम भी ये फाइट कर सकते हैं। लास्ट ईयर एक और आरजे थी जो देहरादून से थी, उन्होंने विन किया था, क्या लोगों को पसंद आया, लेकिन ये अच्छा है हर साल कोई मिस साउंड से जरूर जीतता है। यस आप क्या कहेंगे, आप बताइए। थैंक यू, मैं ज्योति सागर हूँ, आई एम एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मैं बनी थी बट मेरा पैशन कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म पे आना था एंड आई एम थैंकफुल टू अर्चना जैन कि मेरा फर्स्ट पैजेंट था जहाँ पर मैं बेटर हूँ जो मैं पहले थी उससे, बी इट थिंकिंग वाइज, बीइंग गुड टुवर्ड्स द सोसाइटी या बीइंग गुड टुवर्ड्स योरसेल्फ और लविंग योरसेल्फ। उन्होंने सिखाया था आप कैसे अपने आप को अनलिमिटेड हाइट्स कैसे अचीव कर सकते हो, हर वुमेन वो बन सकती है जो वो बनना चाहती है, मैंने उनसे सीखा ये एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। मैं अपने मेरे गुरु से भी मैंने सीखा है यहाँ पर एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर एंड आई विश कि ऐसे लड़कियाँ जिनके मन में भी ये पैशन है वो ये प्लेटफॉर्म पे आए और अपना पैशन फॉलो करें, क्योंकि मैं ही सिर्फ जान सकती हूँ कि अभी मुझे जो खुशी मिल रही है मुझे कभी लाइफ में। हाँ वेरी गुड। नमस्कार, मेरा नाम धनुषी पालेकर है, मैं सेकेंड रनर अप हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हर एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है एंड उसका मतलब मैं बहुत ऑर्डिनरी हूँ ऐसा मुझे फील होता है, बट थैंक्स टू अर्चना मैम मुझे पता चला कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी बन सकती हूँ। थैंक यू मैम। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम भूपिंदर कौर है, मेरा नाम भूपिंदर कौर है एंड सबसे पहले तो मैं अर्चना जैन की टीम इंडिया बेबी ब्यूटी सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि रैंप पे चलना ये मेरे ख्याल से हर एक लड़की का हर एक औरत का सपना रहता है, जो मैं तब पूरा नहीं कर पाई वो मैं आज पूरा कर पाई हूँ और मेरी बेटी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया क्योंकि पिछले साल वो इसका हिस्सा था, उससे प्रेरित होकर मैंने भी ये कदम लिया और आई एम रियली प्राउड एंड आई रियली वांट टू थैंक आईबीबी। अर्चना जी सारे इस साल के थर्ड सीजन के विनर्स आपके साथ हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया कि आपने लोगों को नॉर्मल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया है, तो इस अचीवमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि तीन दिन में जितना इन्होंने सीखा है वही आज उनके काम आया कि कॉन्फिडेंस लेवल और जिस तरीके से उन्होंने बात की अपने आप को प्रेजेंट किया, तो क्या कहेंगे इसके लिए? मैं इतना ही कहूँगी हर एक औरत के अंदर एक हिडन पोटेंशियल होता है, सिर्फ उन्हें ढूंढना पड़ता है और इंडिया ब्रेनी ब्यूटी का वही काम है। इनफैक्ट इसलिए हमेशा हम कहते हैं ये जो इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ एज वेट हाइट स्किन कलर का कोई बैरियर नहीं है, और यस तीन दिन की जो हम ट्रेनिंग ग्रूमिंग कराते हैं जितने भी अंदर के फियर है सब बाहर निकल जाते हैं और वो स्टेज पे आप सब देख ही सकते हैं। एंड हियर आर माय विनर्स ऑफ इंडिया ब्रेनी ब्यूटी सीजन 3 एंड आई एम ट्रूली प्राउड ऑफ ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर मेकिंग इंडिया ब्रेनी ब्यूटी सीजन 3 सुपर सक्सेसफुल। आज फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कि ट्रांसजेंडर्स को आपने वॉक कराया, आप लोगों ने भी देखा होगा उनका वॉक कॉन्फिडेंस लेवल और उन्होंने तो उनका जैसे फीलिंग नहीं मिली, तो आप लोगों ने कैसा लगा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया उनको आज फर्स्ट टाइम, आप लोग क्या कहेंगे? आई थिंक बहुत पहले ये मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज अर्चना मैम ने इनिशिएटिव लिया, इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव एंड वॉचिंग देम सो कॉन्फिडेंटली यू नो वॉक द रैंप makes us believe like we can do something in life, we can be something. Correct. अर्चना जी ये बस last question कि ये जो काम आप कर रही हैं बहुत साल से कर रही हैं Global Foundation के तहत, तो आगे जो ये winners हैं और जो LGBTQ है उनके लिए और क्या करने का plan कर रही हैं?
आगे तो बहुत बड़े प्लान्स हैं, जैसे हमेशा से मैं कहती आ रही हूँ, बॉम्बे टाइम्स हो गया, इस बार लैक्मे फैशन वीक भी हमारे लिस्ट में है, एज वेल एज ये मेरे विनर्स जो है, फर्स्ट हम फ्लोरेंट फाउंडेशन में इनसे काम कराएंगे, क्योंकि जितने भी विनर्स होते हैं सोशल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में नहीं होता है फिर हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। सो इंडिया ब्रेनी ब्यूटी पहले काइंडनेस हम्बलनेस सिखाता है, उसके बाद स्टैंडर्ड्स को सेट करना सिखाता है, दैट इज़ वॉट माई विनर्स आर ऑल अबाउट। थैंक यू। श्रेयांश इस तरफ से आ जाओ। डाइजेस्ट हो गया रियलिटी सब लोग? डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ये मेरे को एग्जाम वाला टेंशन दे रहे हैं। चलिए, या कंजना, आज पहले सीजन में आप नए थे, आज आप सीईओ हैं, काम संभाल रहे सारा, और श्रेयांश आपके साथ हैं और अर्चना के साथ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विद द क्राउन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द इनिशिएटिव दैट यू विश टू डू, टूवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स। काफ़ी सारी चीज़ें नई होंगी, बहुत चीज़ें बदलेंगी विद द क्राउन विनिंग, एंड अर्चना मैम, फ्लोरियन फाउंडेशन और ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है ये इतनी अपॉर्चुनिटीज देगा कि आप मतलब ग्रैब करते हुए थक जाओगे, बट चीज़ें इतनी होंगी आपको मिलेंगी। सो आई एम विशिंग ऑल द कंटेस्टेंट्स वेरी यू नो गुड लक एंड बेस्ट विशेस, डू योर बेस्ट एंड यू नो गिव एग्जांपल्स टू द वर्ल्ड कि आप कुछ ना कुछ क्राउन अचीव करके और बेहतर कर सकते हो सोसाइटी में। वेल ऑब्वियसली विनर्स हैं, दे डिजर्व इट, बट बाकी के भी जो फाइनलिस्ट थे ऑब्वियसली दे उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, ऑब्वियसली दे स्टैंड आउट, एंड आई बी बी एंड फॉरन फाउंडेशन का पर्पज ही ये होता है ऑर्डनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनाना। सो यस, वी आर प्राउड ऑफ आर विनर्स। थैंक यू। एक फोटो के इस तरफ आ जाओ, आप सारे लोग इधर आ जाओ। सबको, मीडिया पर्सन्स जो कवर अस ऑल, और माई सेल्फ बबीता ओभान, फाउंडर ऑफ बबीताज डिज़ाइनर है। आज मुझे अर्चना जैन के इवेंट पे आके प्लेजर फील हो रहा है एज ए ज्यूरी, बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स और बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम था, और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा जो ट्रांसजेंडर्स का जो वॉक था यूनिक था और बहुत ही ज़्यादा टचिंग था। तो दिस इज़ अ थिंग कि हमने आगे लेके जाना चाहिए, और भी ऐसे हमने यूनिक बॉक्स अरेंज करनी चाहिए। तो आज का बहुत अच्छा रहा, और माय ऑल द बेस्ट विशेस विद इंडिया ब्रेनी ब्यूटी। आई एम श्योर कि जूरी की सारी जो जितनी भी डिसीजंस थे, कंटेस्टेंट्स एंड एजेस हैप्पी विथ इट, वी डिड आवर बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कमिंग मूव एंडेवर्स। थैंक यू एजे। Thank you.